Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tamam dosto, students, welcome to ilm ki duniya and campus topic ki taleem ke hawale se jo bhi koi latest update aati hai, koi bhi announcement hoti hai, wo hum aap tak zarur pahunchate rehte hain. Aaj kal tamam talba chunke ehtijaj isliye kar rahe hain ki kyunki unki classes online hui thi aur unke imtihanat bhi conduct online kiye jaye, to talba chahte hain ki unke imtihanat conduct online kiye jaye. To HEC ki janib se tamam universities ko ye hidayat kar di gayi hai ki aap imtihanat online conduct kare jo bhi aapke paas munasib sahuliyat hain unke lihaz se. Aaj ki is update mein basically aapko jo bataunga wo Punjab University ne वो तलबा जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में क्या फैसला किया है, उनके इम्तिहानात कैसे होंगे. जो तलबा प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम करना है या जिनके एमएससी प्रोग्राम है और उनके इम्तिहानात पंजाब यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट करने हैं और वो प्राइवेट तलबा हैं, उनके इम्तिहानात रवायती तरीके के मुताबिक कंडक्ट किए जाएंगे. उनके इम्तिहानात रवायती तरीके के मुताबिक होंगे, उनके इम्तिहानात ऑनलाइन नहीं कंडक्ट होंगे. सिर्फ उन तलबा के इम्तिहानात ऑनलाइन होंगे जो रेगुलर तलबा हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ के रेगुलर तलबा हैं उनके इम्तिहानात ऑनलाइन कंडक्ट किए जाएंगे. जो प्राइवेट तलबा हैं, जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं, उनके इम्तिहानात रवायती तरीके के मुताबिक होंगे. और पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से 4 फरवरी को जो भी इम्तिहानात होने हैं बीए के, और उसके बाद मार्च में एमएससी के इम्तिहानात का आगाज़ कर दिया जाएगा. बीएससी के जो भी इम्तिहानात हैं, एसोसिएट डिग्री इम्तिहानात जो भी हैं, वो जो उनका आगाज़ है 4 फरवरी से कर दिया जाएगा. और जो रेगुलर तलबा हैं उनके इम्तिहानात तो ऑनलाइन होंगे, लेकिन प्राइवेट तलबा के इम्तिहानात, एसोसिएट डिग्री इम्तिहानात जो भी हैं, एमएससी, बीए, बीएससी, इन तमाम तलबा के जो भी इम्तिहानात हैं वो रवायती तरीके के मुताबिक होंगे. पंजाब यूनिवर्सिटी ने प्लान तैयार कर लिया है. पंजाब यूनिवर्सिटी ने कहा है कि जो भी उनके प्राइवेट कैंडिडेट्स जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से इम्तिहानात देने हैं बीए, बीएससी या एसोसिएट डिग्री के या एमए, एमएससी के, उनके इम्तिहानात रवायती तरीके के मुताबिक होंगे. तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं. इम्तिहानात किस तरह होंगे, पहले इम्तिहानी सेंटर में अगर 190 तालिबे इल्म बैठते थे तो अब 130 तालिबे इल्म बैठकर एक इम्तिहानी हॉल में जो भी इम्तिहानात हैं वो अपना पेपर देंगे. और जो भी सेंटर्स हैं वो पहले 300 बनने थे, अब 400 सेंटर्स बनाए गए हैं. 3 लाख तलबा ने तकरीबन इम्तिहानात देने हैं. 4 फरवरी से बीए, बीएससी और एसोसिएट डिग्री के जो भी तलबा हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के प्राइवेट कैंडिडेट्स, उनके इम्तिहानात का आगाज कर दिया जाएगा पंजाब यूनिवर्सिटी की जानब से. और एमए, एमएससी के इम्तिहानात मार्च में होंगे, 5 मार्च से शुरू हो जाएंगे. यानी आप तमाम तलबा के जो कैंडिडेट्स रेगुलर हैं उनके ऑनलाइन इम्तिहानात होंगे, जो प्राइवेट तलबा हैं उनके इम्तिहानात रवायती तरीके के मुताबिक ही होंगे, उनके इम्तिहानात रवायती तरीके के मुताबिक होंगे. और तमाम जो भी एसओपीज गवर्नमेंट की जानिब से, जो भी महकमा सेहत की जानिब से बताई गई हैं कोरोना के तनाजुर में, वो फॉलो की जाएंगी. समाजी फासले को इख्तियार किया जाएगा, सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाएगा, मास्क लगाए जाएंगे, तमाम एहतियाती तदाबीर को ज़रूर अपनाया जाएगा. इम्तिहानात जो भी हैं वो 4 फरवरी से आगाज़ कर दिया जाएगा. प्राइवेट कैंडिडेट्स के इम्तिहानात होंगे रवायती तरीके के मुताबिक, जिस तरह जो पहले इम्तिहानात होते थे वैसे ही होंगे. सिर्फ उन तलबा के ऑनलाइन इम्तिहानात होंगे जो रेगुलर कैंडिडेट्स हैं. तालीम के हवाले से, इम्तिहानात के हवाले से, स्कॉलरशिप के मतलब जो भी कोई लेटेस्ट अपडेट आती रहेगी, कोई भी अनाउंसमेंट होगी, वो हम आप तक जरूर पहुँचाते रहेंगे. फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.